हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू 300 सीरीज और आज हम पॉलिटी uh, से शिफ्ट हो गए हैं सोसाइटी के ऊपर ऑब्वियसली uh, जब हम पॉलिटी को आइसोलेशन में पढ़ते हैं तो इट इज जस्ट अबाउट द लॉ बट जब हम पॉलिटी को एज अ होल स्टडी करेंगे तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन सोसाइटी ओके नाव बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज जो मेनली uh, हम टॉपिक्स देखने वाले हैं वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है और uh, अर्बनाइजेशन uh, एक बहुत बड़ा फैक्टर है uh, किसी भी कंट्री के आइडेंटिफिकेशन में कि उसका डेवलपमेंट लेवल क्या है हम कई बार uh, जब हम वेस्ट की तरफ देखते हैं West, वहां हम इस चीज़ को बहुत ज्यादा uh, एक तरीके से एक लैंडमार्क एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और कंपेरिजन भी हम अपना वहीं से करते हैं चाहे आप स्मार्ट uh, सिटीज <coughs> uh, की बात कर लें चाहे आप यूज ऑफ आई इन यूज ऑफ आई इन योर डेली लाइफ और पब्लिक लाइफ मेट्रोज की बात कर लीजिए आप सैनिटाइजेशन uh, की बात कर लीजिए आप वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लीजिए लेकिन एक uh, जो हम गलती करते हैं कि हम वेस्ट के जो भी स्टैंडर्ड्स uh, हैं उसको हम कॉपी बेस्ट करने लगते हैं अपने ऊपर दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसके रूल्स रेगुलेशन या सोशल सिस्टम्स या उनके जो डेवलपमेंट पाथ है हम उसको इंडिया पे कॉपी पेस्ट कर लें वी हैव डिफरेंट नीड्स वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड द बिगेस्ट थिंग और द बिगेस्ट इशू दैट वी हैव टू कैटर व्हेन इट कम्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स इज दू नो द प्रेषर ऑफ पॉपुलेशन ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड वो बहुत ज्यादा है हम अगर ओवरऑल uh, डेवलपमेंट की बात करें या हम ओवरऑल एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देखे तो जब मुल्क बना था तो प्रोविंसेस थी बढते आज हम जो है प्रोविंसेस को हमने स्टेट्स में कन्वर्ट किया फिर और स्टेट्स बने फिर और स्टेट्स बने ये डिवीजन इसलिए आप अगर आप इस स्टेट को ना देख के आप अपने डिस्ट्रिक्ट uh, लेवल पे आप देखोगे अपने घर के लेवल पे देखोगे तो पहले आपका डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता फादर दैट हाँ डिस्ट्रिक्ट बड़ा था फिर वो छोटा होता गया एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट छोटा नहीं होता गया जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत बढ़ती गई सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हमने नए डिस्ट्रिक्ट और नए स्टेट्स जो है वो हम उसको रिफॉर्म करते गए अर्बनाइजेशन की बात करें अगर जो कि मेन टॉपिक है आपको ये मेन्स में तो मिलेगा ही Uh, मतलब आपको जीएस में तो मिलना ही है इसमें हो सकता है आपको इसमें एसे का जो पार्ट uh, है उसमें भी आपको इस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले और इसीलिए आज लार्जली हम अर्बनाइजेशन को ही अर्बनाइजेशन द फर्स्ट थिंग हमारे पास हमारा जो अर्बनाइजेशन है उससे रिलेटेड आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस अब ये एक uh, गोइंग टू लिव इन अर्बन एरिया बहुत ज्यादा दूर नहीं है सर आप बोलोगे तीस साल सेन थर्टी uh, no, uh, like, उनको लगेगा ये कल की बात है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव में uh, और पॉलिसी मेकिंग में कि हम आने वाले कम से कम पचास से साठ साल सत्तर साल की प्लानिंग करके चले तो एक जो फिगर आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2050 तक by 2050, तक, पीपल विल बी लिविंग इन अर्बन एरिया मतलब 80 करोड़ लोग शहरों में रह रहे होंगे अब सिर्फ ये कहना आसान है हमारे पास चैलेंजेस हैं। हमने कहा और इसी आई थिंक इन चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि वी आर गोइंग टू मेक

Uh, शक नहीं है एंड दैट इज वाई यू नो वेन यू पीपल विल बी द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन दिस इज वॉट द प्राइम टारगेट शुड बी नाउ हमारे पास अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अब शहर में शहर का या शहरी जो जनसंख्या है शहरी पॉपुलेशन है उसने बढ़ना है और जब उसने बढ़ना है तो क्या सिर्फ uh, पॉपुलेशन बढ़ने से नहीं ज़्यादा स्कूल्स की जरूरत होगी ज्यादा बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत होगी सैनिटाइजेशन का जो है आ, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे अगर मैं आपको दिल्ली की बात करूं तो जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी तब उसमें चार और छोगीज की ट्रेन चलती थी वे बैक आ, लेकिन जब आज के टाइम पर आठ वो बोगीज बढ़ के आठ और छ हो चुकी हैं ये क्यों हुआ ये ड्यू टू द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ अर्बनाइजेशन और इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे हम देखते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जो है सरकारें अब ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परचेज कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो सो दैट वी कैन इवन नो दूजेज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन द रोड वो भी एक वो है आई टी कनेक्टिविटी एंड डिजिटाइजेशन ना ये तो खैर दिस लाइफलाइन इवन वी आर यूजिंग दैट हम जिस मोड में आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं इवन दैट इज वॉट दिस डिजिटाइजेशन इज और ये हर जगह जरूरत है अब आप देखिए मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करने से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल गैस का कनेक्शन बैंकिंग आर टी ओ सर्विसेज एवरी थिंग इज नाउ बिकमिंग आई टी एनेबल्ड लेकिन क्या हमारे पास इतने बड़े सर्वर्स हैं सिर्फ ये तो फ्रंट एंड है ना कि हम देख रहे हैं कि हर चीज अवेलेबल है डू वी हैव दैट ह्यूज सर्वर्स कि हम उतनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर कर सकें अगर ऑल ऑफ अ सडन सब अज्यूम uh, करते हैं कि सब जो है उस पर आने लगेगा डिजी लॉकर की बात हो रही है हम डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स को का भी हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो इसकी भी जरूरत है लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है योर दिस सस्टेनेबल एनवाइ दट वेन वी आर डूंगल दिस मेट्रो भी बननी है अंडरग्राउंड पासिस बन रहे पहले रोड था फिर फ्लाईओवर बना अब अंडर पास बन रहा है एक ही जगह पे एक ही क्रॉसिंग पे तो क्यों क्योंकि व्हीकल का लोड बढ़ रहा है लेकिन क्या इन सब में अब हम एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या हम एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सब चीजों को ये स्मार्ट सिटीज को इस अर्बनाइजेशन को इस पॉपुलेशन प्रेशर को हमें डील करना है किसके साथ हमें डील करना है कि हम आने वाली नस्लों को आने वाली जनरेशन को वो विरासत ऐसी कुछ ना दे जाए जिसे वो सस्टेन ही ना कर पाए हमें एस की अगर हम बात करते हैं तो एस गोल्स को हमको जो है फुलफिल करते हुए इन सारी चीजों को करना है सो एज आई टोल्ड यूर दैट इज नो डेफिनेशन टू स्मार्ट सिटी एम क्या है जब हम कहते हैं स्मार्ट सिटी या हम कहते हैं रिजुबिनेशन ऑफ सिटीज उसका हमारा एम ये है कि हमें जो एक एवरेज शहरी है जो शहर में रह रहा है एक एवरेज शहरी की हमें जिंदगी को बेहतर बनाना है वी नीड टू द एवरेज अर्बन लाइफ ऑफ लाइफन ना ठीक है सब चीज कर कर देते सर्विस कर देते हैं हैं सर्विस हम स्मार्ट जो है डिस्प्लेस लगा देते हैं हम और ज्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं हम ए um, आई का यूज कर सकते हैं हम आईओ uh, टी का यूज कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हैं सो यस वी कैन डू दैट बट देर आर सर्टन चैलेंजेस आई टोल्ड यू कि हम बिकॉज ये कहां से आ रहा है ये वेस्ट से आ रहा है ये डेवलप्ड नेशन से आ रहा है लेकिन क्या हम उस चीज को इंडिया में उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी चैलेंजेस अलग है हम हमारे ऊपर पॉपुलेशन प्रेशर है हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है लैक ऑफ अवेयरनेस सर इलिटरेसी बात देखो आई एम नॉट सेइंग दैट इंडियंस आर इलिटरेट नो इंडियंस आर नॉट इलिटरेट बट पढ़े लिखे होने में और एक समझदार पढ़े लिखे होने में फर्क है लिटरेसी एंड फंक्शनल लिटरेसी जो हम लिटरेसी की बात करते हैं हमारे लिए लिटरेसी का मतलब है कि जो अपना नाम लिख ले बेसिकली हिंदुस्तान की uh, जो डेफिनेशन है लिटरेसी uh, की वो यही कहती है कि जो अंगूठा नहीं लगाता और अपना सिग्नेचर कर लेता है वो लिटरेट है लेकिन क्या वो फंक्शनल लिटरेट है क्या वो उस कैन डू अर्थमेटिकलकुलेशी हैजेंस ऑफ रेशनैलिटी जरूरी नहीं है कि ये uh, सिर्फ लिटरेसी से आए लेकिन एक एस्पेक्ट है सो वी कैन नॉट कॉपी पेस्ट दैट स्टफ हियर व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल द इशू इज दैट वी हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन वी हैव अ डिसऑर्गेनाइज्ड अर्बनाइजेशन हमारे प्लानड सिटीज नहीं है बहुत कम है चंडीगढ़ की बात कर लीजिए नोएडा की बात कर लीजिए आप भुवनेश्वर की बात कर सकते हैं इट्स तो अ प्लानड सिटी बट इट्स नॉट दैट एवरीवेयर वी हैव प्लान सिटीज हमारे यहाँ uh, शहर पहले बनता है और ड्रेनेज और सीवेज के लिए uh, सड़कें बाद में खुदती है तो ये हमारी प्लानिंग है एंड सो वी हैव पुअर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव पुअर प्लानिंग वी हैव पुअर इम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट ऑफ द रूरल अर्बन फ्रेंच हम आप देखोगे कि <coughs> दोज आर लिविंग इन द मेट्रोज मेट्रो सिटीज में जो रह रहे हैं आप देखोगे कि कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे देविल से क्या रहे ये जहां नाव you know, uh, जैसे दिल्ली के आसपास आप देखोगे तो गुड़गांव है नोएडा है आप कभी 20 साल 30 साल या 40 साल पहले उनकी सिचुएशन देखोगे तो वो गाँव थे बिकॉज ऑफ दिस पुअर मतलब जहां जगह मिली शहर को फैलाते गए जहां जगह मिली शहर को फैलाते गए इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्लानिंग या वो हम कहें वो जो रूरल अर्बन फ्रिंज है वो खत्म होता जा रहा है वो एनक्रोच होता जा रहा है कहाँ गांव है कहां शहर है अब पता नहीं चलता पता चला जहां सोसाइटी है वो आता ग्राम पंचायत में कहने को सारी फैसिलिटीज हैं लेकिन बिकॉज इट इज ऑन रूरल लैंड सो इट इज द ग्राम पंचायत देन बिकॉज ऑफ दिस अब गांव की जरूरतें अलग हैं हम ये नहीं कह रहे हैं गांव पिछड़े हुए नहीं गांव की जरूरतें अलग हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट से ज्यादा बेटर लॉजिस्टिक्स की जरूरत है क्योंकि आर विलेजेस आर मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट आर विलेजेस आर मोस्टली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट तो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को या उनको अपने विलेज के या ग्रुप ऑफ विलेजेस में एक, एक अच्छी कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है जिससे वो अपने प्रोड्यूस को बर्बाद होने से बचा सके ये उनकी जरूरत है जो लोग हम जैसे लोग जो शहर में रह रहे हैं हमारी जरूरतें अलग है हम हमें बोलोगे कि कोल्ड स्टोरेज बना दिया तो हम बोलेंगे क्या करना है वट वी नीड इज बेटर ट्रांसपोर्टेशन बेटर इलेक्ट्रिसिटी बेटर सैनिटेशन सो टर्म प्लानिंग जो है हमारी वो कहीं ना कहीं लैग कर जाती है जब ये जो इंक्रोचमेंट हो जाता है जब ये शहर और का फर्क जमीन पे मिटने लगता है तो क्या होता है ये इशू आ जाता है फिर मतलब अभी कोविड से पहले तो ट्रेन का टिकट लेना मतलब वेट तत्काल में टिकट मिलना अपने आप में इतनी खुशी का मौका होता था क्यों ट्रेन्स ओवरलोडेड हैं कभी बिकॉज़ आई कम्यूट बाय मेट्रो और अभी पोस्ट कोविड तो ठीक है मेट्रोज़ आर डूइंग वेल मतलब ओवरक्राउडेड नहीं है एंड दे आर मैनेजिंग इट लेकिन प्री uh, कोविड era में कभी आप uh, सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम में आप 4:00 बजे से 7:00 बजे तक कभी मेट्रो में ट्रैवल करिए आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन वाकई में कितनी है ओवरक्राउडेड है वो भी तब जब हर दो तीन मिनट पर एक मेट्रो निकल रही है सो रोड इन एडिकुएट है बावजूद इसके इतने लोग ट्रेवल कर रहे हैं बाय मेट्रो बावजूद इसके देर इज अ ट्रैफिक जैम मीन्स आर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड आर आर फैसिलिटीज आर इन एडिकुएट हाउसिंग की बात करेंगे तो हाउसिंग का मतलब सिर्फ घर खरीदने से या घर किराए पे लेने से नहीं है आप एक शहर में रह रहे हैं तो आपको सिर्फ घर से मतलब नहीं है भाई इलेक्ट्रिसिटी है अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो मेंटेनेंस चार्जेस है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज एंड मोस्टली मेट्रो सिटीज की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वेव ऑफ माइग्रेशन क्योंकि माइग्रेशन हमें आगे देखता है टॉपिक आउट देयर So, a wave of migration is coming. अब वो तो आएगी ना अब एक तबका है जो शहर में माइग्रेट कर रहा है या जो इन मेट्रो सिटीज में माइग्रेट कर रहा है वो कौन है जिसको एमएनसीज में काम करना है जिसको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है जो कि मैनेजर uh, भी हो सकता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं एम हो सकते हैं स्कूल्स के लिए टीचर्स हो सकते हैं एक तबका ये है जो इन शहरों की जरूरत है लेकिन एक तबका और है जो इन शहरों की जरूरत है वो है द हाउस हेल्प ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चलाने वाले छोटे छोटे जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं वो और आप कभी उनसे पूछिएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो कोई नहीं कहेगा कि हम उस जगह के रहने वाले हैं सब बाहर से आए सब बाहर से आए तो ये लोग भी आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक बैकबोन बन जाते हैं हमारी अर्बन लाइफ के जब कोविड के बाद हमने अप्रैल और मई 2020 में जो हमने एक वेव ऑफ री माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन नॉट री माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा तब रियलाइज हुआ कि ये लोग कौन है मजदूर हैं रिक्शा चलाते हैं कोई पान का पान की गुमटी लगाता है कोई छोले कुलचे की गुमटी लगाता है और ये सब लोग वापस और आप इनको देखेंगे तो ये उन शहरों के रहने वाले होते भी नहीं है जहां से ये आ रहे हैं जहां काम कर रहे हैं ये सब बाहर से आए हैं सो so, देर इज एंड एंड दे आर वेरी मच क्रिटिकल इन द इकोमिक लाइफ वो जो सर्कुल वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है उसके लिए ये बहुत जरूरी है सो सर्कुलेशन ऑफ मनी फॉर देट इट इज इम्पॉर्टेंट देन दिस यू नो बिकॉज अब जाहिर सी बात है जब इन चीज़ों की जरूरत शहर में ज्यादा है अब अगर किसी सोसाइटी में दो हजार uh, फ्लैट हैं और वहां हाउस हेल्प की जरूरत है तो कम से कम 400 500 ऐसी महिलाएं होंगी जो वहां काम करने जाती होंगी तो वो भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है वो भी एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की जो हम बात करते हैं इकोनॉमी में बट अब वो लोग तो उन उस हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रह सकते ना जिन्होंने रिवर्स माइग्रेशन किया 2020 में मार्च अप्रैल 2000 अप्रैल और मई 2020 में हमने देखा कि लोगों ने रिवर्स माइग्रेशन किया वो वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे लेकिन क्या वो उन आ, जो हमने यहाँ पे बात की ये वाली चीज है हम पावर सप्लाई की, की, की बात कर रहे हैं हम आई कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं क्या वो इसका फायदा उठा पा रहे हैं नहीं क्योंकि वो स्लम्स में रह रहे हैं माइग्रेशन जितना ज्यादा हो रहा है ग्रोथ ऑफ स्लम्स उतनी ज्यादा हो रही है एंड विच बिकम्स अ चैलेंज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन अब खैर ये तो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉर्टेशन क्यों नहीं होगा भाई लोग ज्यादा हैं तो पानी तो पहली रिक्वायरमेंट है इसलिए आप पहले की सिविलाईजेशन देखोगे तो सब नदी किनारे हैं चाइनीज सिविलाइजेशन देख लो इजिप्शियन uh, सिविलाइजेशन देख लो पुटेमियन uh, सिविलाइजेशन देख लो इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो हर किसी ने सबसे पहले चीज देखी कि पानी का है तो जो भी सिविलाइजेशन हमने देखी वो पानी even, वो इट इन द ऑफ सोर्स ऑफ वाटर ये तो अब हमें समझ में आया कि ग्राउंड वाटर भी कोई चीज होती है तो वी हैव और हमें जब ह्यूमन सर थैंकलेस क्रिएचर ऑफ गॉड मतलब कुछ भी मिल जाए जो मिल जाएगा उसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे जो मिल जाएगा उसका उस हद तक एक्सप्लॉयटेशन करेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए पेट्रोल मिल गया ऑयल मिल गया इतना यूज करा कि खत्म होने के कगार पे आ गया भाई महंगा हो रहा है इसका मतलब ये है कि कम होता जा रहा है और कम हो रहा है तो कभी ना कभी खत्म भी होगा क्योंकि वो इतनी आसानी से तो बनता नहीं है देन ग्राउंड वाटर को भी हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया है बाय मेनी ऑफ़ द इंडियन सिटीज़ विल बी ऑफ दिस वाटर कंप्लीटली ड्रेन ऑफ हो चुका होगा नेशनल सैंपल सर्वे कह रहा है कि ओनली 47 परसेंट ऑफ द अर्बन हाउसहोल्ड्स होल्ड इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन और ये फोर्टी वो होंगे जो कि ऑर्गेनाइज कॉलोनीज में रह रहे होंगे या जो सोसाइटीज में रह रहे होंगे या जो uh, गवर्नमेंट पास लेकिन वो जो स्लम है ना एक स्लम का एक नल उसमें से पूरा जो है मोहल्ला जो है पानी लेता है आप कभी गर्मी के सीजन में देखिएगा जो आपके शहरों के आसपास के जो स्लम्स होंगे शहरों के अंदर के जो स्लम्स होंगे वहां पे पानी का क्राइसिस देखिएगा और वो देखिएगा जब टैंकर आता है झगड़े हो जाते हैं द बिग फाइट द बिग वाटर फाइट इट इज नॉट समथिंग मतलब न्यूज चैनल तो दिखाते हैं कभी आप गौर करिएगा कि हमारे देश के जो सोकल न्यूज चैनल्स हैं Uh, वो सुबह uh, सुबह सुब आती हैं दस मिनट में सौ खबरें वो दस मिनट में सौ खबरें कम होती हैं मुझे लगता है वो पुलिस एफ की कॉपी ज़्यादा होती है वो सारे छः सौ मतलब जहाँ जहाँ क्राइम होता है वहाँ वहाँ की वो एफ आई बुक उठा लेते होंगे कंप्लेन बुक उठा लेते होंगे वो न्यूज़ चला देते हैं लेकिन पानी के लिए झगड़ा होता है क्यों ये एक न्यूज़ का इम्पैक्ट ये नहीं कि झगड़ा हुआ ये है कि पानी की कल्लत है ओके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया दिल्ली में कभी गाजीपुर बॉर्डर के पास देखिएगा कूड़े का एक ढेर लगा है अब तो थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से कम होने लगा है लेकिन एक दौर वो था कि वो जो कूड़े का ढेर था वो मीनार तो से ऊंचा था यस बिकॉज वी डोंट हैव दैट इसमें इंदौर म्युनसिपल कॉर्पोरेशन इज अ गुड एग्जाम्पल उन्होंने क्या किया है जितने भी इंदौर में इंदौर लाइक वो स्वच्छ भारत जो सर्वे सर्वेक्षण होता है उसमें इट इज बिंग लाइक द क्लीनेस्ट सिटी एंड वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग जो उनका जितना भी शहर का सॉलिड मैनेजमेंट होता है उन्होंने उसको सेग्रीगेट करके जो उसमें डिग्रेडेबल होता है उससे वो बायोडीजल बनाते हैं और उस बायोडीजल से वो सारी जितनी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहर का उस, उसकी बसेस उस, उस बायोडीजल से चलती हैं तो इट्स अ गुड यूज़ तो हम इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो है वो बहुत एक यूज़ इट इन अ बेटर वे बट अनप्लैंड है प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अनप्लान्ड है प्लानिंग है नहीं एंड अर्बन हीट आप खुद सोचिए एक लाइक बिकॉज आई 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 लिव इन दिल्ली एंड सी सो आई कैन आई आई गिव एग्जांपल फ्रॉम हियर ओनली कि दी व्हाट टू कॉल द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स सोचो उसमें कितने ए लगे होंगे एक बीस मंजिला इमारत है उसमें ढेर सारे ऑफिसर्स हैं या बीस मंजिला इमारत है उसमें फ्लैट्स हैं एक घर में दो ए हैं और फ्लैट्स फ्लैट्स में तो ए होते हैं मोस्टली और एक फ्लैट में अगर दो भी एसी हैं और 2000 फ्लैट्स हैं तो 4000 एसी उन 4000 एसी और एसी ना जाने कितनी सोसाइटीज इमेजिन द हीट तपती गर्मी में हीट किस हिसाब की निकलती होगी जब वो ए चलते होंगे you can, you can that, कि ये कितना ज्यादा खतरनाक तो वो हीट इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना अर्बन हीट आइलैंड वो इसीलिए बन जाते हैं पेड़ लगे नहीं रहे हैं ग्रीनरी की बात होती है ग्रीन बेल्ट की बात होती है बट वो कितना मेंटेन होता है और कितना उसका यूजेज है चेन्नई फ्लड ऑफ 2015 वाज एन एग्जांपल। हर साल हम बारिश के सीजन में देखते हैं कि मुंबई में जब भी मानसून इंपैक्ट डालता है तो जुलाई जून जुलाई के टाइम पे भी सी बारिश बारिश बारिश, के बारिश पहले नहीं हो रही थी पहले ज्यादा बारिश हो रही थी आप देखोगे अगर ग्रेजुअली इन जोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी और कभी डेटा देखोगे तो बारिश जो है वो ग्रेजुअली कम होती है एवरेज रेनफॉल शहर में शहरी इलाकों में लेकिन बारिश कम हो रही है और वाटर लॉगिंग बढ़ रहा है तो किसने किया ये किसका है ये ये एंथ्रोपोजेनिक है इंसान का किया हुआ ये अनप्लैंड सिटीज का ये जो हम लिख रहे हैं ना ये बिकॉज ऑफ अन सिटीज ये इसका इम्पैक्ट है So, अब जब इतने चैलेंजेस हैं तो हमें कुछ रिफॉर्म्स की भी जरूरत है हमें कुछ नया करने की भी जरूरत है सो so, सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी सबसे बड़ी चीज यह है कि हर शहर की जरूरत अलग है हम कह रहे हैं हर शहर की जरूरत दिल्ली की जरूरत अलग है बॉम्बे की जरूरत अलग है क्यों दिल्ली इज लाइक इन इट्स लैंड लॉक्ड मुंबई इज हैविंग सी कोस्ट चेन्नई की जरूरत अलग है कलकत्ता की जरूरत अलग है so, सो हमें इसको एक व्हाट आई बिलीव पर्सनली आप uh, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि हमें एक कॉमन प्रोग्राम रोल आउट करने से बेहतर है कि हम शहर के हिसाब से हम इसको इसमें हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को यूज कर सकते हैं हम इसमें अपने फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कि सरकार कहेगी कि ठीक है हम आपको फंड्स देंगे आप अपना रिक्वायरमेंट बताओ हम ये नहीं कह सकते कि हर सौ शहर हमने कर लिए हैं और उन सौ शहरों को हम स्मार्ट बना देंगे। कैसे बना देंगे। देंगे? कैसे चौराहे पे जो है ट्रैफिक लाइट्स लग जाएगी वो ट्रैफिक लाइट्स कितनी यूजफुल हैं? या पहले ये देखिए कि उस ट्रैफिक लाइट्स को मैनेज करने का क्या क्राइटेरिया है या आपने अगर ट्रैफिक लाइट्स लगाई हैं तो वो कैसी विजिबल है भी पता चला आपने ट्रैफिक लाइट्स ऐसे एंगल पे लगा दी जो विजिबल ही नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ट्रैफिक लाइट्स लगानी ही है हो सकता है जो हमारे जो दरमियाने साइज के शहर हैं उसमें जरूरी नहीं है कि ट्रैफिक लाइट्स ही हो उसमें ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय कर किया जा सकता है जो ट्रैफिक कंट्रोल करे दिस कैन बी डन एंड दिस हैजू बी डन जरूरी नहीं है कि अगर जगह नहीं है एक हमें बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी की बिग डिस्प्ले जो एनवायरमेंटल आपका ये पी एम टू पॉइंट फाइव पी एम टेन ये सारी चीजें जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए एयर क्वालिटी इंडेक्स डिस्प्ले होना चाहिए पेड़ चार पेड़ चार काट के स्मार्ट स्क्रीन लगा दिया और कह रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कई बार जो ग्राउंड लेवल है वहां पर चीजें सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट की जाती है क्योंकि सरकार ने कहा है सो दिस हैज दिस शुड बी स्टॉपड uh, जो जरूरत है उस हिसाब से हम काम करें एंड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल इट शुड बी एक्टिंग एज 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 अ गाइडिंग फोर्स फोर्स नॉट नॉट एन एन इंप्लीमेंटिंग इंपोजिंग फोर्स आप गाइडेंस दीजिए आप इंपोज मत करिए हर शहर की जरूरत अलग है देन तो वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि वो म्यूनिसिपल लेवल पे फिर स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे इनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन uh, होना चाहिए अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमें 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है तो सबसे पहले इन 100 स्मार्ट सिटीज के जो मेयर हैं ऑब्वियसली हम स्मार्ट uh, सिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां म्यूनिसपल uh, कॉरपोरेशन होगा तो मेयर होगा सबसे पहले और अगर किसी जगह नहीं है मान लीजिए कहीं ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अर्बन लोकल बॉडीज जो है वो फंक्शनल नहीं है दे आर डिफंक्ट पहले उनको फंक्शनल बनाना पड़ेगा और यू मेक अ कंसोर्टियम ऑफ दीज हंड्रेड मेयर्स

ट uh, uh, human face, human face मतलब यह को या ये जो हम अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम इस अर्बनाइजेशन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं इसमें हमें एनवाट uh, को इस तरीके से uh, कहना चाहिए कि नहीं uh, देखना चाहिए कि ये आज है काट दो पेड़ नहीं उस पेड़ को उगने में सालों लगे हैं मतलब लग बहुत ज्यादा अगर एनवायरमेंटलिस्ट <laughs> बन के कहूं या एनवायरमेंटल कंसर्न से कहूं तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ फूड वेब इट इज अ पार्ट ऑफ फूड साइकिल इट इज अ होम टू नो डोंट नो हाउ मेनी बर्ड्स तो वो उस चीज को अवॉइड करना है हमें एक एक हमको पार्क्स बनाने पड़ेंगे सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनाने से काम नहीं चलेगा हमें पार्क्स बनाने पड़ेंगे हमें ग्रीन बेल्ट्स बनानी पड़ेगी हमें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करनी पड़ेगी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया आई एम टेलिंग यू बाई ट्वेंटी थर्टी लिव थर्टी ईयर्स अगले दस साल में आप देखोगे कि हिंदुस्तान की शक्ल बहुत अजीब सी हो चुकी होगी क्योंकि ये अर्बनाइजेशन जो है अगर ये कंट्रोल्ड बैनर में नहीं हुआ देन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग ऑबियसली टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्ट कटिंग का तो काम करती ही है uh, जैसे टेक्नोलॉजी <coughs> से हम पेपर बचा सकते हैं पहले जो बिजली के बिल कागज पे आते थे हर महीने वो मोबाइल पर आ सकते हैं और इसके लिए जरूरी ये है कि अर्बन स्मार्ट मीटर्स लग सकते हैं जिसमें आप उसी में you know, रिचार्ज कर सकते हैं आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं तो सिर्फ अगर देखिए आप सिर्फ अगर कहीं ये हो रहा है कि एक, एक जैसे हमारे आम जबान में बिजली ऑफिस कहते हैं तो बिजली ऑफिस में अगर बिल जमा नहीं करना है ना तो सिर्फ वो पेपर और वो नहीं भाई वहां तक इतने लोग वहां आएंगे उनका फ्यूल बात ये नहीं है आप कलेक्टिवली सोचिए फ्यूल कंजम्पशन वो कम होगा लोग घर पर बैठे बैठे कर सकेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकेगा सो बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं देन ई गवर्नेंस अब जैसे लेटेस्ट हुआ कि आर ऑफिस को जो है डिजिटाइज कर दिया गया अच्छी चीज है लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा वक्त बचेगा पैसा बचेगा मेरे तो पहले होता था इस फाइल को उधर से ले जाने के लिए थोड़ा सा फाइल पे वजन रखवाना पड़ता था खैर वो तो करप्शन इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ सर्टेन स्पेसेस इन आर इंडिया देन वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट तो वेस्ट मैनेजमेंट पुणे का अच्छा मॉडल है मैंने आपको इंदौर का बताया इंदौर का मॉडल भी अच्छा है कि जो वो वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं देन <coughs> तो रिवाइवल तो uh, uh, क्योंकि जमीन कम होते जा रही है लोग बढ़ते जा रहे हैं जमीन इन द सेंस अब इत, सारे देश में तो बिल्डिंग्स नहीं बना सकते ना खेती किसानी के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा और ना खाओगे क्या तो ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए

कितने तरीके से वो पूछ सकते हैं बेसिक एक ही है आज हम बात करेंगे सिर्फ एक चीज की अर्बनाइजेशन की लेकिन उसके अलग अलग पहलू हैं तो पहली चीज हमने देखी कि क्या क्या चैलेंजेस हैं क्या क्या उसको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं सो इफ द क्वेश्चन इज दिस सो व्हाट आर कंक्लूजन इज दैट यस वी हैव टू आर स्मार्ट सिटीज आर इज द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी और द एम ऑफ द स्मार्ट सिटी इज टू मेक इट मोर लिवेबल एंड अल्टीमेटली इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीजिंग द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ एंड सिर्फ uh, इससे नहीं होगा हमको लोकल प्रॉब्लम्स को नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचाया जा सकता है इसके मैकेजम को बेहतर करना होगा एंड ये सब कुछ करना है बट एक चीज का ध्यान रखना है दैट इज सस्टेनेबिलिटी कि हम आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाए